कि ये नौजवान जब यहाँ से बारात लेकर पहुँचा चौक सरवर शहीद में, और बारात की जब रुखसती का वक़्त था, दुल्हन की रुखसती का वक़्त था, तो उस वक़्त दुल्हन ने रुखसती से इनकार कर दिया। इसने उसके बाद धरना दिया, वहाँ कामयाब धरना दिया, तवील धरना दिया, और दुल्हन लेकर ही आया। हम ज़रूर देते अगर दो दिन भी न, तीन दिन भी न हमारे साथ रुखसती करते, हम धरने पर बैठे। अच्छा, इस वक्त आपका मसला क्या है जिसकी वजह से सबसे ये हुआ? रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। माजिद, क्या हुआ था आपके साथ? आप यहाँ से बारात लेके गए और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जब आपकी रुखसती का वक्त आया तो उस वक्त दुल्हन ने इनकार कर दिया कि वो नहीं जाना चाहती, क्या वजह थी? वजह मेरे हाथ की थी, तीन उंगलियाँ कटी हुई हैं। पहले वो हमारे पास आए, इधर हमें पसंद भी किया, मैं उधर भी गया था तो मंगनी भी हुई है, फिर इधर से गए हम बारात लेके, खाना भी खाया, निकाह भी पढ़ाए उधर। तो जब दूध की रस्में पूरी हो गई, रुखसती का वक़्त हुआ, तो उन्होंने हाथ देखा, भी हाथ की तीन उंगली कटी हुई हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया, भी इसका हाथ कटा हुआ है, ये बेरोज़गार, इसकी कौन रोज़ी करके खिलाएगा इन्हें। यानी दूध पिलाई के वक़्त आप दुल्हन ने आपका हाथ देख लिया? जी, मैंने इसी हाथ से, दाएँ हाथ कटा हुआ, इसी हाथ से मैंने दूध पिया था। उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया कि दुल्हन ने कि अब नहीं जाएंगे? जी, उन्होंने इनकार कर दिया, हम इसके साथ रुखसती नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर आपने क्या उस वक्त फैसला किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल फैसला था, आप वो दुल्हन के घर मौजूद थे, तो आपने उस वक्त क्या फैसला किया? मैंने उस वक्त फैसला ये किया था, इधर धरना देंगे, हम इसको ले कर जाएँगे, और उसके इलाके के जो मुजद्दीन हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने फैसला किया और उनकी शर्तें। अच्छा, आपने बारात वालों को बता दिया कि हम वैसे ही नहीं जाऊंगा, वैसे नहीं जाना मैंने? जी, मैंने बारात वाले सबको कह दिए थे, मेरे भाई थे, मेरा वालद साहब था और रिश्तेदार भी थे, मैंने सबको कह दिया हम इस तरह खाली वापस नहीं जाएंगे। तो फिर वालद साहब ने, भाइयों ने, दीगर बारात वालों ने क्या कहा कि धरने के अंदर हिस्सा बनेंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, चल चल वापस चल। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जैसे आप कहेंगे इसी तरह हम करेंगे, हम लेके जाएंगे। मेरे साथ उन्होंने फुल सपोर्ट की, और इलाके वालों के साथ वो गए पास जो उधर के मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की है, और उनकी शर्तें जो थी वो रखी है, हम सुबह 3 बजे रुखसती के साथ घर वापस आ गए। अच्छा, किस वक्त आपका धरना शुरू हुआ था, जब आपका इनकार हुआ था और धरना शुरू हुआ था, क्या टाइम था? तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम। अच्छा, शाम 4 बजे आपने दुल्हन के घर के बाहर धरना शुरू कर दिया? जी, धरना शुरू कर दिया। आप भी नीचे बैठ गए? जी, हम भी नीचे बैठ गए थे। और सारी बारात नीचे बैठ गई? जी, नीचे बैठ गई थी सारी बारात। क्या कहा था, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे? जी, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि रात हो गई, मुजाकरात चलते रहे? जी, रात हो गई, मुजाकरात चलते रहे, सुबह 4 बजे फैसला हुआ था हमारा। अच्छा, उस वक्त कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि दुल्हन वालों ने कहा कि चलो इन पे डंडे बरसाओ, धरना धरना दे के बैठे? नहीं, इस तरह की उन्होंने कोई ताकत का इस्तेमाल का आपको लगा तो नहीं, कोई धमकी या खतरा कोई हुआ? वो कहते तो थे जबान से भी भाग जाओ, मुंह से भी धमकियां दे देते, हमने इसको नहीं रुक सकते, नहीं हम अपनी बेटी। डंडे वगैरह आपके ऊपर नहीं बरसाए गए वहाँ? डंडे नहीं बरसाए गए हमारे ऊपर। अच्छा, उसके बाद आपके वहाँ को खाने का इंतजाम आपने किया या वैसे ही बैठे रहे आप लोग? उन्होंने नहीं किया थे, हम खुद ही पानी भर के लेके आते थे तो पी लेते थे। और वहीं सामने आप बैठे रहे? जी, उनके घर के सामने ही हम बैठे रहे हैं। मुजाकरात चलते रहे सारी रात? जी, सारी रात मुजाकरात चलते रहे। अच्छा, आपको तो उस वक्त लगता होगा कि लगता है कि ये नहीं भेजने वाले आज? लेकिन लगता भी था और नहीं भी लगता था, हमने कहा भी जो हमारे इलाके वाले उधर के मौजूदीन हैं वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपको कुछ यकीन भी था और कुछ नहीं भी था कि दुल्हन जाएगी नहीं जाएगी? जी, इस तरह का था। अच्छा, मुजाकरात कामयाब ना होते, एक दो दिन और धरना दे सकते थे आप? जी, हम ज़रूर देते अगर दो दिन भी न, तीन दिन भी न हमारे साथ रुखसती करते, हम धरने पे बैठे, धरना देखे। लेकिन आपने तहैया कर रखा था कि लेके जाएंगे? जी, हमने पक्का इरादा तहैया कर लिया था। अच्छा, इस वक्त आपका मसला क्या है जिसकी वजह से सबसे ये हुआ? ये मेरे हाथ की वजह से हुआ था, जो भी उन्होंने कहा भी ये बेरोज़गार है, रोज़ी कौन इसको करके देगा, मुस्तकिल रोज़ी भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इस यानी कि हाथ के, आपका बुनियादी मसला हाथ बना, कि आपका हाथ है, दायां हाथ है, वो काम नहीं करता जिसकी वजह से दुल्हन ने कहा कि नहीं ये कैसे कमाएगा? जी, उन्होंने हाथ की, बुनियादी हाथ की वजह से तीन उंगली कटी हुई, काम कैसे करेगा, इसका हाथ कटा हुआ है। तो दुल्हन को आप यकीन है कि आप कमा लेंगे या? ये यकीन है, हमने उसको तसल्ली तो बहुत दी है और वो मान भी गई है,
अभी हुकूमत से कोई अपील है हमारे साथ, कोई सपोर्ट करे, मुस्तकिल रोजी का कोई सिस्टम करके दे। माजिद की रुख्सती से इनकार कर दिया, इसकी दुल्हन ने रुख्सती से इनकार कर दिया, इसी वजह से इनकार किया कि इसका दायां हाथ नहीं था। इस वक्त अगरचे माजिद धरने के बाद अपनी दुल्हन को ले आया है, तवील मुजाकरात हुए, तकरीबन 22 घंटे का ये तवील धरना था, उसके बाद माजिद अपनी दुल्हन को ले के आया है, लेकिन अभी तक भी ये खतरात के अंदर है, क्योंकि इसके लिए रोज़ी कमाना खासा मुश्किल है, क्योंकि इसका दायां हाथ काम नहीं करता। इस वक्त भी ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ, हुकूमत पंजाब की तरफ ये मुंतजर है कि उसे जॉब दे दी जाए, उसके साथ उसकी माली मुआवनत की जाए, ताकि उसे दोबारा कभी खुदा ना खास्ता धरने की तरफ ना जाना पड़े। माजिद ये बताएं कि आपका जब धरना जारी था तो उस वक़्त किसने अहम किरदार अदा किया और आपके ये मुज़ाकरात कामयाब हुए जिसकी वजह से आप दुल्हन को ले आए? हमारे इधर गांव के चक का ये चौधरी इफ्तखार अल हसन है, उसको हमने फ़ोन किया था, वो हमारे पास उधर ही चौधरी इफ्तखार अल हसन एडवोकेट साहब जी, एडवोकेट हैं, उनको फ़ोन किया था, वो हमारे पास गया था उधर रियाज चांडिया है, उसके साथ मिलकर उन्होंने बहुत सपोर्ट की हमारा। ये चौधरी इफ्तखार साहब ने, रियाज चांडिया साहब ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, ये इन दोनों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, और उसके जिनके घर हम बरात लेके गए थे वो रियाज चांडिया के जो फार्म था उसी के फार्म में रहते थे वो।